हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी इमेज के पीछे का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। जी हाँ, ये ऑप्शन भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया होता है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है। अब अगर इसे इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है तो सिंपल आप पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर देखिए पिक्चर फॉर्मेट का ये ऑप्शन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये रहा पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखिए इसमें स्टार्टिंग में एकदम दिया होता है बैकग्राउंड रिमूवर। ये रहा बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको शो करेगा कि कितना हिस्सा आप यहाँ से बैकग्राउंड मतलब आपका ये रिमूव कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा हिस्सा भी रिमूव कर रहा है पिक्चर का जो मुझे मतलब चाहिए पिक्चर में। अब जैसे देख रहे हैं हाथ का ये हिस्सा रिमूव हो जा रहा है, ये शूज का हिस्सा रिमूव हो रहा है। तो इसको ठीक करने के क्या होता है, ये देखिए ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है, ये है मार्क एरियाज टू कीप और मार्क एरियाज टू रिमूव, ठीक है। उन एरियाज को आप मार्क कर दीजिए जिनको आप रखना चाहते हैं। तो सिंपल इस पर सेलेक्ट कर दीजिए और यहाँ से इस एक आपके पास एक ये पेन बन के आ जाएगी। अब आप जहां जहां भी इसको हटाना वो करना चाहेंगे ये देखिए उसको ये रख देगा। ये हमने शूज पे किया, ये देखिए शूज पे इसने रख दिया, ठीक है। उसके बाद ये हेयर पे हमने किया, ये देखिए हेयर रख दिया। तो इस तरीके से हमने इसको जो जो एरिया हमें चाहिए था वो हमने क्लिक करके उसको रख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कीप चेंजेस पर क्लिक करना है। ये देखिए कीप चेंजेस का ऑप्शन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो भी बैकग्राउंड था वो पिक्चर का रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूवर यूज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में।